साथियों नमस्कार। साथियों फिर से हाजिर है एक और नई वीडियो में, जानेंगे जीके से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर, जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते था आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। आइए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? आंसर आपको पता तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री बीच कौन सा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा समुद्री बीच मरीन बीच है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल, भारत के सबसे बड़े ज़िले का नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े ज़िले का नाम क्या है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत के सबसे बड़े ज़िले का नाम कच्छ ज़िला है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, वनवास काल में श्री राम किस जगह सबसे ज़्यादा रहे थे? वनवास काल में श्री राम किस जगह सबसे ज़्यादा रहे थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा वनवास काल में श्री राम चित्रकूट में सबसे ज़्यादा रहे थे। अगला सवाल, रावण के पिता का नाम क्या था? रावण के पिता का नाम क्या था, जिसका सही आंसर हो जाएगा रावण के पिता का नाम विश्वसर्वा था। अगला सवाल, हनुमान जी के पिता का नाम क्या था? हनुमान जी के पिता का नाम क्या था, जिसका सही आंसर हो जाएगा हनुमान जी के पिता का नाम महाराज केसरी था। अगला सवाल, बड़ी ठणी चित्रशैली किसकी चित्रशैली है? बड़ी ठणी चित्रशैली किसकी चित्रशैली है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी ठणी चित्रशैली निहाल चंद की चित्रशैली है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दो बार फ्री मिलती है पर तीसरी बार पैसों से? जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दो बार फ्री मिलती है पर तीसरी बार पैसों से? आंसर पता तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, जिसका सही आंसर हो जाएगा दांत जो है दो बार फ्री मिलते हैं पर तीसरी बार उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे कनेक्टेड स्टे सेफ, थैंक यू।